हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग जारी। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी पिछड़ी, सीएम सैनी और विनेश फोगाट आगे। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के शुरुआती रुझानों में एनसी कांग्रेस गठबंधन 31 सीटों पर आगे, बीजेपी 28 और पीडीपी को 5 पर बढ़त। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पत्नी संग आज देखेंगे ताजमहल। आम सैलानियों के लिए बंद रहेगा स्मारक। यूपी में उपचुनाव के लिए भाजपा ने 9 सीटों के लिए तय किया 27 नामों का पैनल, निषाद पार्टी पर नहीं हुआ फैसला। यूपी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बढ़ा बेटियों का दबदबा, 5 साल में संख्या हुई दोगुनी, घटी लड़कों की संख्या। एंटी ड्रोन सिस्टम से महाकुंभ की होगी सुरक्षा, केंद्र देगा मंजूरी, 40 करोड़ लोगों की सेफ्टी, ड्रोन साजिशें होंगी नाकाम। ग्रीन पार्क की बढ़ेगी दर्शक क्षमता, 500 लोगों के बैठने के लिए बनेगा वीवीआईपी ब्लॉक, पिच का ड्रेनेज सिस्टम भी होगा बेहतर। लखनऊ में गोदरेज के शोरूम में लगी भीषण आग, 3 किलोमीटर दूर से दिखा धुआं, 10 करोड़ का नुकसान। यूपीएससी ईएससी 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होगी 64,000 से ज्यादा सैलरी। ONGC में 2,237 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई।